एक बार आप चीजों को पढ़ लें पेज पर क्या है, लिख लिया आपने, पढ़ लिया, तो इतने गौर से आप चीजों को पढ़ें और एक बार आंखें बंद करें और उस पहले शब्द पर पेज पर आपने एक बार आप जीएस का नोट कर लें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो हम अगर बात करें हिस्ट्री से, आपका 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आपका, और ज्योग्राफी एक टारगेट है, प्लस माइनस 1 कहीं भी हो सकता है, ज्योग्राफी से आपका 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। साइंस से प्यारे बच्चे आप 20 क्वेश्चन में टारगेट रखना, 3 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे तीनों फॉर्मेट से, कहीं से भी मिले, ठीक है, क्या बोलेंगे, 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे। गुरुजी भारत 2 बार जीता, नहीं प्यारे बच्चे, भारत 1 बार जीता है, ठीक है। साइंस से हो गया आपका, पॉलिटी से प्यारे बच्चे आपका 2 क्वेश्चन का आप ये एक बैलेंस माने, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आप प्यारे बच्चे, इकोनॉमिक्स से आप प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन का, और करंट अफेयर्स से आपको प्यारे बच्चे कितने, 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल, 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 11 और 2, 13 हो गए। और पार्ट हमारा कौन सा बच गया आपका, अब बचता है हमारा स्टैटिक जीके। तो याद रख लेना, अब वेरिएंट जो मिल सकता है आपको वो पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन का और आपका इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चन का, और बाकी बचता है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट जो सबसे ज्यादा एसएससी पूछती है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और अगला टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चे, किसी भी चीज को याद रखने के लिए मैंने बताया स्कैन टेक्निक, क्या बोलेंगे, स्कैन टेक्निक, और इसका आप हमेशा क्या बोलेंगे, हमेशा इस्तेमाल करेंगे। स्कैन टेक्निक क्या है कि आप जब किसी पेज पर आपने नोट्स बनाए, और आज ही से अप्लाई करना, और कल मैं क्लास में पूछूंगा रिजल्ट मिला या नहीं। एक बार आप चीजों को पढ़ लें पेज पर क्या है, लिख लिया आपने, पढ़ लिया, तो इतने गौर से आप चीजों को पढ़ें और एक बार आंखें बंद करें और उस पहले शब्द पर पेज पर आपने क्या लिखा था और अंतिम शब्द तक आपने क्या लिखा उसको एक बार आप माइंड में इमेज बनाने की कोशिश करें, यानी स्कैन करने की कोशिश करें। इसी को हम स्कैन टेक्निक कहते हैं। जिस दिन आप वो पूरा पेज इमेजिन कर पाए कि आपने इस तरह से चीजें लिखी थी, तो आपकी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, हमेशा, आप कभी नहीं भूल सकते। आज ही अप्लाई करना, ठीक है, बहुत अच्छे से, और कल आप बोलोगे भैया इससे बेहतर कुछ नहीं है जो सच में अप्लाई करेगा। ख्याल रखिए, ठीक है, अपना मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। अभी मैंने देखा है कि मेरे पास भी बहुत सारी स्टूडेंट कमेंट आती हैं कि जैसे उनका क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें गलती जो होती है उसके 30 क्वेश्चन गलत है, किसी के 40 क्वेश्चन गलत है, तो उन गलतियों से कैसे बचें वो? देखो, गलतियों से ऐसे बचें कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, आपको बार बार पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 2 या 3 बार पढ़ लिया तो आप अपनी उन गलतियों को देखें कि किस चैप्टर के किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर उनको ही देखें, बस उन्हीं को रिवाइज करें। तो आप बार बार देखेंगे कि हर बार अगर इस बार आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए तो अगली बार अगर वो टॉपिक आप दोबारा पढ़ लेंगे तो अगली बार 8 ही होंगे, फिर 6 होंगे, ऐसे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे।